So firstly, Priyanka, welcome to IWM Bal. Big, big congratulations for Big Boss 16. कितना excitement है Big Boss के घर में जाने के लिए, because everyone wants to go inside the Big Boss house. Finally, you are going now. That is true. हर किसी चाहे मैं भी ऐसी एक normal सी बंदी थी जब boss में जाना है, and finally happened. Super excited. Yeah. तो अगर प्रियंका बात किया जाए बिग बॉस घर की, तो जैसे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि भले ही लोग कितना भी बिग बॉस देख कर रहा है, लेकिन इस बार वो बहुत ही ट्विस्ट लाने वाले हैं, इस विल बी कम्प्लीटली अपोजिट. तो एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस है, क्या बोलना चाहोगे आप? मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ कि इस बार डिफरेंट हुआ है, कुछ तो अलग हो रहा है. बेसिकली मैं क्यों खुश हूँ, भी नहीं देखे थे, सिर्फ एक सीजन देखा था शहनाज वाला, तभी मुझे लगा था कितना होता है. मैंने सिर्फ वो सीजन देखा, मुझे नहीं पता क्या स्ट्रेटजीज होती है, मुझे नहीं पता क्या प्लानिंग होती है, एंड मेरे लेवल पे सब आ रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी कि चलो न्यू ही सबके लिए, न्यू ही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो बात है. सो यस प्रियंका, अगर बात किया जाए शो की, तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग फॉर दिस शो? ये कंपटीशन के लिए आपकी कौन सी एक पर्सनालिटी है या एक स्ट्रेंथ पॉइंट है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है पूरे सीजन में? द रियल साइड ऑफ मी. आई एम सो रियल कि मुझे मैं फेक नहीं हो सकती. आई थिंक यही मेरी यूएसपी भी रहेगी कि मैं जैसे ही हूँ, मैं कहूंगी ना, मैं वैसे ही रहूंगी. आई वोंट चेंज, मतलब दैट्स हु आई एम. ये शो ऐसा है ना कि एट द एट पॉइंट मेंटली और फिजिकली दोनों ही आप काफी ही वीक पड़ जाते हो. तो आपने अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश किया है? यानी मोटिवेशन, यू आर गोइंग एक कोई मोटिवेशन के साथ अंदर आप जा रहे हो बिग बॉस के घर में? सी बेसिकली मुझे ना इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं चीज के लिए प्रिपेयर हूँ, क्योंकि आफ्टर वो पहले तक आई शूटिंग एंड देन हियर इन मुंबई, तो मुझे इतना टाइम है प्रिपरेशन का मेंटली और फिजिकली. बट यस, आप पॉजिटिव रहो, एवरीथिंग विल बी सॉल्व. सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहां पर जा रही हूं. स्माइल, तो यही मेरी प्रिपरेशन है. रेस्ट लेट्स सी वहां पे विद द फ्लो क्या होगा. ओके, सो प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाउ यू बैक दिस शो, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू लर्न कि आपको बिग बॉस के घर में बुलाया जा रहा है? हाउ वाज ऑल द प्रोसेस फ्रॉम योर साइड? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो बेसिकली जब मैं शहनाज वाला देखती थी, तो आई यूज्ड टू लाइक दैट शो सो मच. या सही शो है, गो देयर, आई रियली वांट टू. आई यूज्ड टू टेल माय ब्रदर एंड सिस्टर, मैं जाऊंगी देखना, देखूंगी. बट शो आफ्टर डालिया मैंने कॉल, मुझे लगा कि नहीं यार, क्योंकि मैंने शो भी करके थोड़ा सा होता है, आप सोच तो लेते एक्चुअल करने बात आती है, देन यू गेट मिक्स्ड बटरफ्लाइज कि आप करो. सो आई वाज लिटिल कंफ्यूज, मुझे पहले इतना ज्यादा नहीं हुआ कि करना चाहिए, बट देन लेटर आई रियलाइज, मैं बैठी मैंने सोचा कि ये तो चाहती थी ना, मतलब नाउ यू से नो, डोंट से नो, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांटेड, राइट? तुझे मिल रहा है तो जस्ट डोंट से नो. सो फाइनली मेरा आंसर मिला, नहीं, यू आर गोइंग फॉर बिग बॉस, लेट्स पिक अप. सो देन आई सेड यस, हां, आई एम रेडी फॉर बिग बॉस. सो यस, दैट्स व्हाट इट हैपेंड. टच वुड. प्रियंका, मैं ये जानना चाहूंगी, उड़ारिया से आपको ढेर सारा प्यार मिला है, एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस मिली है जो हमेशा तेजो और फतेह को प्यार करती रहती है, नो? हमेशा आपको फतेह के साथ देखना चाहती है, लेकिन दिस टाइम यू विल कम एज अ सोलो, लाइक प्रियंका विल बी देयर ऑन अ शो. सो हाउ इज इट फील? थोड़ा ऐसा डर लग रहा है, बिकॉज हमेशा फैंस ने फतेह और तेजो को साथ में देखा है, लेकिन इस बार प्रियंका को देखने जा रही है. ठीक है, मतलब ये एक्चुअली राइट कि हमें बहुत प्यार मिला है, लिटरली हमें कार्या से बहुत ज्यादा प्यार, ट्रस्ट मी, वो हमें एक साथ देख तब इतना प्यार था. आप देखोगे ना तो भी हम, एंड आई एम श्योर दे विल लव इट.
क्योंकि पर्सनालिटी है, आई एम अ डिफरेंट पर्सनालिटी, वी बोथ आर लाइक, हमारी शायद आदतें सेम हो सकती है बट नेचर बहुत अलग है, वो शांत है, मैं बहुत खेलने वाली खेलती रहूँ वाली लड़की हूँ, तो आई एम श्योर कि मैं चाहती हूँ कि आप वो मुझे सोलो भी देख लें कि प्रियंका सोलो कैसे रहती हो, तो ये हाँ एक्सपीरियंस और मेरे फैंस के लिए भी आई एम श्योर कि दे लव मी, प्रियंका कई सारे नाम भी सामने आए हैं कंटेस्टेंट्स के, सो इज दैट थिंग कि आपको लगता है कि इससे सब डेवलप हो सकता है वॉइस के साथ? नहीं, हैव यू एवर लर्नड कि कौन कंटेस्टेंट है? मैं कभी भी, ये सिर्फ बॉस के लिए नहीं, ट्रस्ट मी इन माय रियल लाइफ, क्योंकि मैं इसके साथ डेवलप हो पाऊंगी, मैं वाइब कर पाऊंगी, आई रियली डोंट प्लान, मतलब मेरी वाइब किसके साथ मैच ऑटोमेटिकली मैच हो और नहीं होगी तो आई एम वेरी आउट इट कि हर किसी से आपकी वाइब मैच हो सकती है, आप परफेक्ट इंसान मैच हो जाए, हर कोई परफेक्ट नहीं है, किसी के साथ हो सकता, टोटली फाइन विद मी, मेरा फ्रैंक नेचर है, बहुत ही फ्रेंडली रहती है, इन द बिगिनिंग हाँ वो वाइब मैच बात तो ठीक है, फिर तो जैसे अंकित और मेरा देखा था प्रियंका घर में सबसे ज्यादा बिग बॉस के घर में ड्यूटीज को लेकर बहुत सारी बातें होती है, कहा जाता है जो किचन ड्यूटी करता है वो टॉप में जाता है, ये भी झगड़ा होता है घर में कि बाथरूम ड्यूटी को करेगा, सो आर यू रेडी फॉर ऑल दिस स्टफ, ऑल दिस मैस अप जो घर पे होने वाला है? यार मैं पूरा पूरी तरह से यहाँ पे क्या करना है मुझे बताओ, घर पे मैं तो उठा रही अच्छा एक्सपीरियंस काम करने का मैं ड्यूटीज से नहीं पीछे भागती, मुझे लगता है पीछे हटना चाहिए, तो आई एम टोटली ओके विद दैट, चाहे किचन बस मैं चपाती बना सकती हूँ, क्लीनिंग कर सबसे, आई डोंट नो मैं कैसे बनाऊंगी, सो जस्ट आप खा लीजिए फाइल में एक, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। ओके सो प्रियंका लास्टली हाउ यू विल बी डेक अप विद योर फैशन स्टाइल ऑन दिस जर्नी ऑफ बिग बॉस? सी बेसिकली ऐसा कुछ टाइम नहीं मिला और ना ही मैं इसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहती हूँ, मेरे पास जो कपड़े हैं वही उन्हीं के साथ मैं प्रिपेयर हूँ, बट आई नीड माय स्टाइलिंग, मेरी स्टाइलिंग ना बहुत कैजुअल एंड ऐसे रहती है, तो आई एम श्योर कि नॉर्मल पहनती वैसे ही रहूंगी, बट इट विल लाइक बहुत अच्छा दिख के आएगा, बिकॉज दैट आई नो कि हाँ मैं कोई भी चीज अच्छे से स्टाइल करूंगी, कैजुअली भी बैठूंगी देन डिफरेंट सा लगेगा, सो दैट्स हाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर माय स्टाइलिंग, लेट्स सी रेस्ट कैसा लगता है। ओके सो लास्टली प्रियंका मैं ये जानना चाहूंगी फैंस को क्या बोलना चाहोगे जो आपको उड़ारिया से ढेर सारा प्यार देती हुई आई है और ये प्यार आगे भी बरकरार रहना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी जो आपने कहा वही मैं कहना चाहूंगी, इतना प्यार उड़ारिया में दिया, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज्यादा प्यार आप मुझे, उड़ारिया में आपने दो जन को प्यार दिया, दो जन का प्यार आपको मुझसे क्योंकि मैं आप मेरे फैंस ने मुझे डिसीजन बनाने में काफी हेल्प की है। Yeah. They were excited to see her in Big Boss and all. I was wow. And please keep supporting me, keep loving me, and thank you so much. Thank you, Priyanka, for giving your precious time and all the best for Big Boss 16. Thank you so much.